रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। बहुत खुशखबरी कि गुलाबा खुल चुका है। हाँ जी, सही सुना आपने, गुलाबा खुल चुका है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस बात पर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मन में जो सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मदन गोपाल उसका उत्तर देगा, सभी का उत्तर देने का प्रयास करता है। हाँ, ये गुलाबा की आज की ही तस्वीरें हैं और ये चैनल कभी भी झूठी खबर नहीं दिखाता। यदि आप प्रमाणित कर दीजिएगा, मैं आज तक कोई खबर झूठी नहीं दिखाया। आज गुलाबा खुल चुका है और बहुत खुशी की बात है। और आप रोहतांग पास जैसी फीलिंग आप कर पाएंगे, क्योंकि इतनी बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, उसका भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और बाकी की वीडियो यदि आप कहेंगे तो कल मैं अलग से अलग उसका एक वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, उनका उत्तर उनमें मिलने वाला है। गुलाबा खुल चुका है, आप अपनी निजी गाड़ी लेकर वहां जा सकते हैं और बहुत सारी बातें हम आगे करेंगे। और आज का शाम का जो न्यूज़पेपर है, इवनिंग न्यूज़पेपर है, उसकी झलक आप देख सकते हैं। यहाँ इसमें बताया गया है कि गुलाबा खुल चुका है, उसमें क्या क्या नियम है वो मैं आपको संक्षेप में या इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताऊंगा, यहाँ संक्षेप में दिए गए हैं। तो गुलाबा का ये शानदार नज़ारे आपके सामने, इतनी बर्फ़ है कि आप देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। तो गुलाबा जम्मू कश्मीर के जो राजा है गुलाब सिंह के सम्मान में इसका नाम गुलाबा रखा गया था। और गुलाबा जो गांव है, इसी जगह पर चीन पर आक्रमण करने के दौरान राजा ने डेरा डाला था, उसी के सम्मान में इनका नाम गुलाबा रखा गया है। और एनजीटी क्या होती है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, इनके डिजाइन के अनुसार ये गांव डिजाइन किया गया है और इन्हीं की प्रबंधन यानी इन्हीं की मैनेजमेंट में ये चलता है। और ये एक सुरम्य बहुत ही आकर्षक पिकनिक स्पॉट भी है, बहुत ही लाखों सैलानी यहाँ आते हैं प्रतिवर्ष। और 86% यानी 86 टूरिस्ट है, उन्होंने माना है कि ये गांव बहुत ही स्वच्छ है, इसलिए यहाँ पॉलीथीन और धूम्रपान तो वैसे ही वर्जित है, ये ध्यान रखिएगा। और सर्दियों में ये ज़्यादातर बंद रहता है, क्योंकि आप बर्फ़ देख रहे हैं, कितनी बर्फ़ है, पहाड़ के पहाड़। इनको काट कर आपके लिए जो मनाली गवर्नमेंट है, इन्होंने ये रास्ता खोल दिया है। ध्यान दीजिए, आप अब अपनी गाड़ी लेकर भी जा सकते हैं। यदि आपकी हिमाचल की गाड़ी नहीं है, फिर भी आप यहाँ गुलाबा तक जा सकते हैं। और आपको ग्रीन टैक्स भरना होगा, उसका वीडियो मैंने पहले बनाया है, यदि नहीं है तो इसमें आई बटन पर लगा रहा हूँ और एंड स्क्रीन पर भी लगा रहा हूँ, उसको ज़रूर देख लें ग्रीन टैक्स के संबंध में। तो ये बहुत ज़रूरी सूचना है। और यहाँ क्या क्या उपलब्ध है, इस गांव में भोजन उपलब्ध है, टॉयलेट उपलब्ध है और कैमरे अलाउ है, कैमरे से कोई भी शूटिंग कर सकते हैं, जूते पहनने की परमिशन है। और साथ साथ बता दूं कि पालतू जानवर है वो अलाउ नहीं है। और इसकी टाइमिंग सुबह सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक है, पूरे दिन रह सकते हैं, पर्याप्त है। बहुत सारी फोटोएं खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, स्नो एक्टिविटी करेंगे तो आपका मन भर जाएगा। और इसमें क्या सावधानी रखें, सावधानी स्नो में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, मैं उसको आई बटन पर लगा रहा हूँ, उसको आप देख लेवें। और साथ साथ ये बता दूँ कि आप स्नो ड्रेस ज़रूर ले जाएँ, 250 रुपये की आती है स्नो ड्रेस, वो ज़रूर ले जाएँ। रबड़ के जूते हैं वो भी पहने, क्योंकि बर्फ़ के अंदर आप पूरा दिन व्यतीत करेंगे, 5-6 घंटा व्यतीत करेंगे, टाइम पास करेंगे ना, तो वो आपके लिए भारी पड़ जाएगा। इसलिए स्नो शूज है नहीं सॉरी रबड़ के जो रबड़ गम बूट है वो ज़रूर पहने, आपके पैरों में नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ग्रिप अपने जो लोकल जूते हैं वो ग्रिप ग्रिप वाले आपके हैं, बर्फ़ पर चलने वाले जूते हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो आप ये साथ में मिलता है पूरा सेट 250 में, उसको ले लें। ग्लव्स की ज़रूरत नहीं है, इतनी ठंड नहीं है, सर्दियों के अंदर यदि आ रहे हो तो ग्लव्स आप ज़रूर ले लीजिएगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी जो आपको उपलब्ध करानी थी। और हमारा प्रयास यदि पसंद आया, यदि कोई सूचना छूट गई है तो डिस्क्रिप्शन में नहीं सॉरी कमेंट बॉक्स में उसको आप लिख सकते हैं और उसका उत्तर मैं दूंगा। और यदि घूमने के लिए आपको टैक्सी की ज़रूरत है तो स्वागतम टूर एजेंसी के नंबर नीचे दिए गए हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी सूचनाएँ शायद देने से छूट गई है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका
बहुत बहुत धन्यवाद।